अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। शाजिद बेटा बाकी सबको भी कह दो, मैंने आसिफ से भी बोला था, आसिफ का कुछ इशू आ गया था जिस वजह से आसिफ डिस्कनेक्ट हो गया, अभी दोबारा कनेक्ट हो रहा है। अपने सारे के सारे दोस्तों को बोलो बेटा जल्दी से लॉग इन कर जाए ताकि हम क्लास ले लें और फिर उसके बाद स्टार्ट करें इसको, प्लीज। ओके सर, ओके ओके सर।
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जितने भी लोग मौजूद हैं अभी फिलहाल मेरे पास, आप कोशिश, मेरे पास ऑलमोस्ट 6 लोग आ चुके हैं, बाकी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी भी सारे के सारे आ जाते हैं। वेल एंड गुड, नहीं आते तो विल सी, क्योंकि टुडे इंशाल्लाह इज योर लास्ट क्लास, और आज की क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड करेंगे, और फिर इंशाल्लाह क्योंकि आई डोंट नो तुम लोगों को पता है नहीं पता, बट 28 से तुम लोगों के जो अभी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, मुझे ये बताओ किसका नाम नहीं आया है, ताकि मैं आगे जो कंफर्म करूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों का मिड टर्म का रिजल्ट कंसोलिडेट कर रहा था। अली मोहम्मद, अजहर अली, फुरकान रशीद, हमजा, हरीम सुल्तान, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इकबाल, मैमुना, मुबारका, मुस्कान, करीना, रियाज अहमद, सद्दाम, सना मोहम्मद इकबाल, शाहजेब अली, शिराज अली, शोबुर रहमान, किसका नाम नहीं आया है मेरे पास? शाहजेब बेटा मुझे बताओ कौन मिसिंग है क्लास में, मतलब जो इसमें नाम मिसिंग है जिसका, कोई है? मेरा नाम सिर्फ अली नहीं आया शायद। सिर्फ अली नहीं आया, एक मिनट रुको, आसिफ मैं देख लेता हूँ। जी आसिफ अली बेटा आपका नाम नहीं आया, मुझे बात बताओ आपने अपने मिड टर्म का पेपर सबमिट कराया है? मुझे आपने ईमेल की थी मुझे, किस नाम, अपने ईमेल एड्रेस से करवाई थी? अपने ईमेल एड्रेस से भेजा था बेटा मुझे पेपर? किस ईमेल एड्रेस से भेजा था मुझे बताओगे? किस ईमेल एड्रेस से भेजा था बेटा? किस ईमेल एड्रेस से मुझे भेजा था आपने? नहीं, आपने किस ईमेल से भेजा बेटा? मेरे पास जितने आ रहे हैं उसमें आसिफ अली का नाम आ नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है बेटा। मेरे पास आसिफ अली की कोई ईमेल आ नहीं रही है बेटा। जी अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ। जी सर नंबर बताओ मुझे अपना व्हाट्सएप का। किस नंबर से व्हाट्सएप किया था? 0302 0302 90। यार शाज़े माइक बंद करो यार। 0302 90 0 1 6 9 7 2। ऐसे कोई नंबर मेरे पास ना व्हाट्सएप पे शो भी नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप भी शो नहीं हो रहा सर? मेरे पास व्हाट्सएप पे भी ऐसा कोई नंबर शो नहीं हो रहा बेटा। 0302 9 क्या कह रहे हो? 0302 आगे 0302 90 90 1 6 6। नहीं बेटा मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कोई नंबर शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अभी आपको व्हाट्सएप करता हूँ। या तो मुझे जो एक काम करो, जो तुमने मुझे ईमेल की है ना पेपर के अंदर, वही ईमेल दोबारा से वापस फॉरवर्ड करो, उसी ईमेल को फॉरवर्ड करके मुझे भेज दो। अभी भेज सकते हो मुझे? सर ऐसा मैंने सर, वो मेरी मेल का इशू आ रहा था सर, मैंने ईमेल दोबारा चेंज किया, फिर मैं आपको सर पेपर भेज दोबारा। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मुझे ईमेल उसी डेट का चाहिए, जब तक मेरे पास ये चीज प्रूफ नहीं होगी कि आपने मुझे उसी टाइम पे ईमेल किया है, मैं आपका पेपर को एंटरटेन नहीं कर सकता। मेरे पास 30 तारीख में जितनी ईमेलें आ रही हैं उसमें से कोई भी ईमेल में आपका पेपर इंक्लूड नहीं है। चेक कर लो और चेक करके मुझे वही ईमेल जो है वो कर दो, रिवर्ट बैक कर दो। ठीक
है जनाब, एक मिनट में। तुमने मुझे ये ईमेल भेजी है, पेपर तो तुम्हारा 30 तारीख को था, तो तुमने मुझे मई 3 को क्यों भेज लिया बेटा? देखो प्रॉब्लम ये है बेटा, तुमने तो मुझे लेट भेजी है, ठीक है, मई 3 की ईमेल तो मुझे शो हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मैनेजमेंट मुझे सबमिट करेगी इसको एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं करेगी। और दूसरी बात ये, जो तुमने मुझे भेजा उसके ऊपर, हाँ देखो आपने मुझे कर दिया, मैंने मान ली बात, बट मेरे पास तो ईमेल ही लेट आई है, तो मैं उस ईमेल को मुझे बता मैं कैसे कंसीडर करूंगा, मेरे पास तो कोई ईमेल लेट शो हो रही है ना। वो तो मुझे नहीं मिल रही थी सर, वो कोई इशू था सर, पता नहीं मुझे 2 दिन बाद फिर मैंने जब मेल की तो मुझे लगा पेपर नहीं गया सर, फिर मैंने आपसे 30 तारीख में मेरे पास आपकी कोई ईमेल शो नहीं हो रही है, मेरे पास बाकी 12 से 14 लोगों की ईमेल शो हो रही है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता बेटा, ये तो फिर मुझे आपके अली रजा साहब से बात करनी पड़ेगी, अली रजा साहब के बाद ही मैं आपको जो है ये चीज कंफर्म कर दे उनको बता सकता हूँ कि वेदर मुझे आपका पेपर कंसिडर करना है या नहीं करना। फिलहाल के लिए मैंने आपका पेपर ले तो लिया है, पेपर मैं आपका ले रहा हूँ, और लेने के बाद मैं इसको आगे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मैं फिर उसके बाद मैं इसको कर सकूंगा कि मुझे इस पर क्या करना है। यू अनिल अली, बेटा आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आपका व्हाट्सएप मैंने मंगवा लिया, ठीक है, आपकी जो पेपर डेट है वो आपकी, मेरे पास व्हाट्सएप भी आपका शो नहीं हो रहा ना, आपने मुझे जिस नंबर से आया व्हाट्सएप किया वो दे दो ताकि मैं वो डेट चेक कर लूं, क्योंकि मेरे पास जो ईमेल की आपकी डेट आ रही है वो 3 तारीख आ रही है। चलो मैं फिर भी इसको देखता हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस इशू को, कोई मसला नहीं है, अगर वो मुझे परमिट करते हैं तो देख लेता हूँ, मैं नहीं करते तो फिर भी देख लेते हैं कि क्या करना है इसका। सर ठीक है, मैं शाम को आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँ। मुझे तो अभी फिलहाल पहले तो अली साहब से डिस्कस कर ले लो ना कि मसला क्या है, इसका हुआ क्या है। आप मुझे कह रहे हो कि आपकी आपको शाम से भी मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूं शाम को। आप मुझे कह रहे हो आपको मेरी ईमेल, आपने मुझे ईमेल पे सेंड किया, मुझे बाकी सब लोगों ने भी ईमेल पे सेंड किया, सब लोगों की ईमेल ही आई है मेरे पास, ना आपके पास ईमेल का रिकॉर्ड है कि आपने मुझे ईमेल भेजी है, मैं आपको कैसे उस रिश्ते पर कर सकता हूँ। मैं बाद करता हूँ, मैं बात करके बाद फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। आज हम लोगों की प्रॉबेबली इंशाल्लाह जो है वो लास्ट क्लास है, और आज के बाद हम लोग जो है वो इंशाल्लाह जो भी आज करेंगे हम कंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है जो भी आपका फाइनल पेपर की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी विल मीट यू बाय, और उसी हिसाब से हम लोग जो है वो फाइनल पेपर को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। बट एज फॉर नाउ आपकी जो है वो ये लास्ट क्लास है, और एज हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनल टॉपिक है। और ओके फुरकान को ज्वाइन करो वेटिंग में, मेरे पास बेटा कोई वेटिंग में नहीं शो हो रहा है, मेरे पास सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं, और अगर मेरे पास वेटिंग पे आएगा तो मैं उसको टैग इन कर लूंगा। ओके जी,
लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज डिस्कशन. आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे, आज हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से बात करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा इंटेग्रल पार्ट है. इंटेग्रल पार्ट किस तरीके से है कि इस पर्टिकुलर एचआर के फंक्शन के थ्रू, इस पर्टिकुलर एचआर की मेथोडोलॉजी के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम टारगेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वर्किंग्स को, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सिनेरियोस को, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम कॉन्टेक्स्ट को इवैल्यूएट करते हैं. जिस तरीके से फाइनेंशियली हम बात करते हैं, जब हम फाइनेंस के अंदर इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो फाइनेंस और इवैल्यूएशन की बात इस तरीके से करते हैं कि हम ये पूछते हैं कि जी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का लॉस हमें ये चीज बताता है कि कंपनी कितनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी कितना ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है. इसी तरीके से जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स को इवैल्यूएट करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को जज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को मेजर करने के लिए कि ह्यूमन रिसोर्स में जो तमाम के तमाम लोगों में किसने सबसे अच्छा काम किया, किसने उसके बाद अच्छा काम किया, किसने उसके बाद अच्छा काम किया, इस तरीके से लर्निंग को क्रिएट करने के लिए हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जिस तरीके से आप तमाम के तमाम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद जब आपको एक फाइनल रिजल्ट आता था, रिजल्ट आने के बाद कोई फर्स्ट आता था, कोई सेकंड आता था, कोई थर्ड आता था, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे साल के काम करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया होता है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर बहुत ज्यादा फोकस करके जो है वो टारगेट को जो है अचीव किया होता है. डेफिनेटली ऐसे लोगों को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर परफॉर्म करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर मौजूद होना चाहिए. सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म किया हुआ था, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं परफॉर्म किया हुआ था डेफिनेटली उनको ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो नीचे फॉल करना चाहिए. तो फर्स्ट वी कम विद द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉइज के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको आप हर साल या हर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो इवेल्युएट कर रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो इवैल्यूएशन का जो ट्रेंड होता है, इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट होता है. पास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है शाज़िद मेरे पास से शोर आ रहा है, एक मिनट रुको, मेरे पास से वाकई शोर आ रहा है, हर एक को शोर आ रहा है क्या? यस सर. ओके अब बेहतर हुआ, अब ठीक है सर? अब आपकी आवाज कम हो गई. ओके अब बताओ, अब सही है? यस सर नॉर्मल है. नॉर्मल है, चलो बस ठीक है, सही है. जहां शोर है, जिसको शोर है वो मुझे बता दे ताकि फिर उसी हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूं. ओके तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उन एम्प्लॉइज को उनके किसी न किसी एक पीरियड और टाइम की बेसिस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उनकी परफॉर्मेंस को जज करना या उनकी एक साल की वर्किंग को मेजर करना हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन रोल होता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सबॉर्डिनेट का रोल होता है, एक सुपरवाइजर का रोल होता है. सबॉर्डिनेट और सुपरवाइजर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक बंदा वो होता है जो कि काम कर रहा होता है और एक बंदा वो होता है जो कि उसको सुपरवाइज कर रहा है या उसका हेड होता है. ठीक है, एम्प्लॉइज जब हम एम्प्लॉइज की वर्किंग कॉन्टेक्स्ट या वर्किंग लाइफ या वर्किंग सिनेरियोस के लिहाज से बात करते हैं तो उनके वर्किंग लाइफ और वर्किंग सिनेरियोस के अंदर क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हर सिस्टम के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप या सुपरवाइजर और वर्कर का रिलेशनशिप चल रहा होता है. ये वो रिलेशनशिप होता है जो कि आपके हर पीरियड के अंदर, हर एंडिंग सर्कमस्टांस के अंदर जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि वो कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें अच्छा नहीं परफॉर्म किया. जिन एम्प्लॉयज़ ने अच्छा परफॉर्म किया होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उन एम्प्लॉयज़ की ना सिर्फ सैलरी इंक्रीज होती है बल्कि उनको प्रमोशंस भी मिलती हैं और उनके मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट्स भी उनको मिल रहे होते हैं. लेकिन इन एडिशन टू दैट वो तमाम के तमाम लोग जिनकी परफॉर्मेंस रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होती हैं, वो तमाम के तमाम लोग जिनकी परफॉर्मेंस मेजर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होती हैं, वो तमाम के तमाम लोग जिनकी परफॉर्मेंस मेजर्ड या लेवल्ड सर्कमस्टेंस से नीचे होती हैं, उन तमाम के तमाम लोगों में से कुछ लोगों को वार्निंग भी इशू की जा सकती है, कुछ लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी भेजा जा सकता है.
इन शॉर्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एम्प्लॉयज का इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, और ये वो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जो कि इमोशनली चार्ज इवेंट को क्रिएट करता है। इमोशनली चार्ज इवेंट को क्रिएट करने का मतलब ये है कि वो एक ऐसा इवेंट क्रिएट करता है जो कि इमोशनली सबके साथ, हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो पुराने ज़माने के अंदर बहुत सिंपल प्रोसेस होता था। लाइक ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो पीपल यूज टू हैव अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से चार लोग होते एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, चार लोगों को इवैल्यूएट करना आसान होता था। व्हाट बॉसेस यूज टू या व्हाट हेड यूज टू व्हाट सेट यूज टू डू वाज कि वो सिंपली चार लोगों को सामने रखता था, चार लोगों को सामने रख के इवैल्यूएट कर लेता था, पता चल जाता था कि जी कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती चली गई, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साइज इंक्रीज होते चले गए, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होते चले गए, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस इंक्रीज होते चले गए, उसी तरीके से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का मेथड या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया भी मुश्किल होता चला जाए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब जब हमारे पास करंट सिनेरियो के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो करंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या होती चली गई, हमारे पास जॉब ऑब्जेक्टिव या की जॉब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई वैसे हमारे पास की टारगेट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे हमारे पास टारगेटेड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया तो हमारे पास कस्टमर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एवेल्यूएट करना मुश्किल हो गया। जब कस्टमर एम्प्लॉय का एवेल्यूएशन मेंटेन करना या एम्प्लॉय को एवेल्यूएट करना मुश्किल हो गया तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ को एवेल्यूएट करने का मैकेनिज्म अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो मुश्किल होता चला गया। तो हमारे पास इस मुश्किल को हल करने के लिए, इस मुश्किल को रिजॉल्व करने के लिए व्हाट वी डिड वाज कि हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। किस चीज़ के सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल या सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास पार्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल को स्टैब्लिश करना। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ की, एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अब हमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये समझना है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या डिफरेंस है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन तमाम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, रेट करते हैं, स्कोर करते हैं। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं कि परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर किसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर लिया, किसने उसके बाद स्कोर लिया, किसने उसके बाद स्कोर लिया। इन शॉर्ट हम पूरी के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 1, 2, 3 की रेटिंग के अंदर डेवलप कर लेते हैं और पूरी के पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास स्कोरिंग्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 की रेटिंग के अंदर जो है वो इवेल्यूएट हो जाती है और अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसने सबसे अच्छा काम किया और किसने सबसे बुरा काम किया। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इस सिस्टम को कवर करने के लिए हमें हर एक एम्प्लॉय को इवेल्यूएट करना होता है, हर एक एम्प्लॉय को स्कोर देना होता है इंडिविजुअली। और वो जो इंडिविजुअल स्कोर देने का कॉन्सेप्ट है या इंडिविजुअल जो स्कोर देने की मेथोडोलॉजी है वो हमारे पास परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन की आती है। पर्पस क्या होता है हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये होता है या पर्पस हमारे पास ये होता है कि जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल हैं, जो हमारे पास लीड कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतरीन तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को जो है वो अच्छा इवेल्यूएट किया जाए, उन तमाम के तमाम लोगों को अच्छा परफॉर्म करके दिया जाए और वो तमाम के तमाम लोग जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके उनको हेल्प की जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, या उनको ट्रेनिंग दी जाए, या अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है तो उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। ये एक हमारे पास मेथडोलॉजी है, ये हमारे पास एक इशू है जिसमें हमें ये चीज़ कही जाती है, जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्टली लोग ये बात कहते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एबॉलिश कर देना चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। स्टडी दिस थिंग, 5 मिनट है इस केस स्टडी को पढ़ो और केस स्टडी को पढ़ने के बाद मुझे ये बताओ
कि इसके अंदर, इस पूरी इशू के अंदर बेसिकली मसला क्या है, क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मसला है या कोई और इशू है, ठीक है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करें। ओके जनाब, पढ़ लिया सब लोगों ने इसको? जी फुरकान। यस सर। पढ़ा? सर पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो? ओके चलो पढ़ लो। जी जनाब पढ़ लिया? अली, फुरकान, महमूना, मुबारका, इकबाल, उमेर, शाजेब, जी ओके मुबारक बेटा, बताओ इसमें क्या इशू आइडेंटिफाई हुआ है, मतलब इसके अंदर इशू क्या है, क्या इसमें इशू परफॉर्मेंस अप्रेजल का है या इसमें इशू कोई और है? फुरकान क्या कहते हो बेटा? सर
फुरकान परफॉर्मेंस अप्रेजल का इशू है सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल का इशू है इसमें, ठीक है। अली अली मोहम्मद इकबाल, अली मोहम्मद इकबाल, मैमूना, जी आसिफ, क्या इशू है इसमें? अच्छा चलो, फुरकान की बात को आगे लेके चलते हैं। फुरकान ने ये कहा कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में, इस पर्टिकुलर उसके अंदर जो है वो हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इस केस स्टडी को पूरा की पूरा पढ़ो तो इस केस स्टडी के अंदर उन्होंने बड़ी क्लियरली दो बातें कही हैं। पहली बात ये कही हुई है कि आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है उन तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम ट्रेडिशनल टिल टुडे तमाम के तमाम मैनेजर्स, दैट मीन सुपरवाइजर्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं और एम्प्लॉय के लिहाज से बात करूं तो हमारे पास सारे के सारे लोगों को जो सबसे ज़्यादा कंबासम इशू लगता है वो ये है कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है या जो इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय को, एवरी एम्प्लॉय डिसलाइक्स दैट। हर एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से किसी इंडिविजुअल की लाइकनेस या डिसलाइकनेस के ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी, बल्कि रादर ऑर्गेनाइजेशन की तमाम चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर मैटर कर रही होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप इम्प्लॉय को इवैल्यूएट नहीं करते तो आप ये बताएं कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिटर्मन करेंगे कि कोई भी बंदा लाइक इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, किस तरीके से आप ये चीज़ डिटर्मन करेंगे कि किसको कितना रेज देना है? अब इस रेज से मुराद सैलरी रेज भी है, इस रेज से मुराद आपका प्रमोशन रेज भी, ठीक है। तीसरा सवाल, हाउ वुड स्लैकर फाइंड आउट दैट दे नीड टू शेप अप? लाइक आप अगर किसी जगह पे कोई नया स्किल चाहते हैं कि ये नया स्किल आपको चाहिए है तो ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ कैसे डिटर्मन करेगी कि किस तरीके से आपको ये कौन सा नया स्किल आपके लिए रिक्वायर्ड है? एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वुड स्टार परफॉर्मर्स बी रिकग्नाइज? टॉप परफॉर्मर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से डिटर्मन किए जाएंगे, किस तरीके से रिकग्नाइज किए जाएंगे? ये वो सवालात हैं सारे के सारे जो सवाल डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को हिट कर रहे होते हैं। इन तमाम के तमाम सवालों को जवाब देने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवैल्यूएशन मैकेनिज्म होना लाजमी है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का होना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मौजूद होना मोस्ट फंडामेंटल या मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंड चीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मौजूद होना इतना ज़रूरी है तो why managers dislike evaluating people, या why managers dislike that, या organization में सब लोग performance management system को क्यों dislike करते हैं? There are many reasons जिसकी वजह से organization के अंदर performance management system को dislike किया जाता है। जो सबसे major और जो सबसे fundamental वजह है जिस वजह से जो है organization के अंदर dislike किया जाता है वो ये वजह होती है कि employees feel कि जो उन पर क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि जो भी वीकनेस उनकी हाईलाइट की गई है या जो भी उनको वीकनेस जो है आइडेंटिफाई की गई है वो वीकनेस लॉजिकल नहीं है बल्कि वो वीकनेस इमोशनल है। दैट मीन्स अगर हमारी किसी के साथ अच्छी एफिलिएशन नहीं है तो हम उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्रिटिकली या क्रिटिक के तौर पर वेट करेंगे। इंस्टेड अगर हमारी इवैल्यूएशन किसी के साथ, हमारी एफिलिएशन किसी के साथ अच्छी है तो हम उसे अच्छा रेट करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो इशू है, ये रैशनल नहीं है बल्कि ये इमोशनल बेसिस के ऊपर है।
इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशन ने ये हाइपोथेसिस डेवलप किया कि जो फीडबैक है ऑर्गेनाइजेशंस का या जो एम्प्लॉयज का फीडबैक हम लेते हैं वो सेल्स की तरह एनुअल नहीं होना चाहिए, बल्कि एम्प्लॉयज का फीडबैक जो है वो फ्रीक्वेंट होना चाहिए। लाइक आप जो काम कर रहे हो उस पर फ्रीक्वेंटली जो है वो रिस्पॉन्स या फ्रीक्वेंटली जो है उसके ऊपर आपकी अपडेट आते रहना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ये होता है, इससे एम्प्लॉय को फ़ायदा ये होता है कि आपका जो फीडबैक बनता है या आपका जो रिस्पॉन्स बनता है या आपका जो एवेल्यूशन बनता है वो रियल टाइम एवेल्यूशन होता है। इसी तरीके से आपकी जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल की बात हो, चाहे वो ज़िपॉस की बात हो, चाहे वो सास की बात हो, इन्होंने ट्रेडिशनल एवेल्यूएशन मैकेनिज्म को, ट्रेडिशनल अपेरेजल्स को रिमूव करके मॉडर्न फीडबैक मैकेनिज्म्स को डेवलप किया। और ये मॉडर्न फीडबैक मैकेनिज्म्स ना सिर्फ आपके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं बल्कि ये आपके बिहेवियर्स को भी कोच करते हैं। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब आपके पास आपके मैनेजर्स नहीं रहे हैं बल्कि इनफैक्ट आपके जो मैनेजर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं कोचेस के अंदर। और कोच कौन होता है? कोच वो होता है जो कि आपको फीडबैक देता है, स्पॉन्टेनियस फीडबैक देता है, उसी वक्त फीडबैक देता है। और ना सिर्फ वो आपको आपके काम के लिहाज से फीडबैक देता है बल्कि वो आपके बिहेवियर के लिहाज से भी फीडबैक देता है। तो कट शॉर्ट, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इटसेल्फ जो है वो आपका क्वेश्चनेबल नहीं है, बल्कि जो चीज़ क्वेश्चनेबल है वो आपके अप्रेजल के मेथड्स हैं, वो आपके अप्रेजल के प्रोसेसेस हैं। तो यू नीड टू अपडेट, यू नीड टू एवेल्यूएट, यू नीड टू काउंट योर अप्रेजल मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ एबॉलिशिंग द होल प्रोसेस। ठीक है, मैं ये सेशन आपका जो है यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में ओपन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेशन ओपन करने के बाद फिर हम इसको मजीद फर्दर आके देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ किस तरीके से चलती है। तो आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।